आपका शरीर, आपका मन सब कुछ सोया हुआ हो, मगर आप जागे हुए हो। हर दिन आपको मुफ्त में आत्मज्ञान मिलता है जब आप सोने जाते हैं, मगर समस्या ये है कि आप अचेतन हैं। आप अपनी मृत्यु को जीत लेते हैं अगर आप बस नींद में जाते समय जगे रह पाए। जिसे हम शिव कहते हैं उसके कई पहलू हैं। असीम वास्तविकता को शिव कहा जाता है। सबसे महान योगियों को शिव कहा गया है। उनके नृत्य को शिव कहा जाता है, उनके संगीत को शिव कहा जाता है, उनकी स्थिरता को शिव कहा जाता है, मगर इन सब में उनका योगी होना सबसे महत्वपूर्ण है। जो संभावनाओं के दरवाजे खोलता है हर इंसान के लिए। कोई कई चीजें हो सकता है, मगर दुनिया के लिए वो आयाम जो दुनिया के लिए एक संभावना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका योगी होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। योगी होने का मतलब कई चीजें होती हैं। योगी का एक पहलू यह है कि वो जागते हुए सोते हैं और नींद में जागे होते हैं। वे भले ही पूरे जागे हुए हों, लेकिन अगर आप शरीर के मापदंड देखें तो इसे सोया होना चाहिए। नींद में सब कुछ सोया हुआ हो, मगर आप जागे हुए हों। आपका शरीर सोया हो, आपका मन सोया हो, सब कुछ सोया हुआ हो, मगर आप जागे हुए हों। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आप अस्तित्व के साथ पूरे तालमेल में होते हैं, अस्तित्व के साथ एक होते हैं, है ना? प्रकृति ने आपको यह दिया है। अगर आप भूल गए हैं, हर दिन आप जब सोने जाते हैं वो आपको अस्तित्व के साथ एक बना देता है। एकता की उसी भावना में अगर आप जाकर बाकी काम करें तो आप सफल हैं, है ना? Every day you have free enlightenment. हर दिन आपको मुफ्त में आत्मज्ञान मिलता है जब आप सोने जाते हैं, मगर समस्या ये है कि आप अचेतन हैं। तो साधना मुख्य रूप से बस यही है कि जागे रहने से जब आप नींद में जाते हैं तब आपका एक हिस्सा सो जाता है, लेकिन आपका एक हिस्सा फिर भी जागता हुआ हो तो आप सफल हैं। या फिर जब आप जागते हैं आपका एक हिस्सा सोता ही रहता है तो भी आप सफल हैं। अगर आप एक ही समय में जागे हुए और गहरी नींद में हैं, आप उसी समय में नींद में हैं और जागे हुए भी हैं, इसे तुर्य कहते हैं। जब आप तुर्य की स्थिति में होते हैं तो हम आपको मृत्युंजय कहते हैं, मतलब आप मृत्यु से परे हैं। क्योंकि अगर आप नींद में भी जगे हो सकते हैं तो आप तब भी जगे होंगे जब आपको शरीर छोड़ना होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक ही समय घटित हो रहे हैं। सिर्फ अज्ञानी लोग ही सोचते हैं कि अभी मैं जीवित हूं और एक दिन मैं मर जाऊंगा। नहीं, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं। वे असल में दो अलग चीजें नहीं हैं। सिर्फ समझने के लिए हमें उन्हें बांटना पड़ता है, वरना वो सिर्फ जीवन और जीवन ही है। जीवन का एक आयाम और जीवन का दूसरा आयाम। तो इस तरह जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना एक आसान मार्ग बन जाता है। हर दिन ये मार्ग आपके लिए मौजूद होता है, यानी जगने और सोने के बीच ये जीवन और मृत्यु जैसा ही है। अगर आप जानते हैं कि इस मार्ग का लाभ कैसे उठाएं, अगर आप उस आखिरी पल तक सजग रहते हैं, क्या आप कभी जान पाते हैं कि आप वाकई कब सो गए? आपको लगता है कि आप जगे हैं, मगर कुछ ही देर में फू, आप नहीं जानते कि आप कब सो गए। अगर आप उस पल तक खुद को ले गए
तो वो मृत्यु के समय चेतन होने जैसा ही है। आप अपनी मृत्यु को जीत लेते हैं अगर आप बस नींद में जाते समय जगे रह पाए। देखिए, यह आपके लिए एक अवसर है। मृत्यु के लिए सबसे अच्छी तैयारी है कोशिश करें कि चेतन रहकर नींद में जाएं। एकदम सो जाने की बजाय अगर आप चेतन रहकर जागे रहने से नींद में जा सकते हैं तो मृत्यु एक खेल बन जाएगी। तो नींद का क्षण एक बड़ा अवसर है। अगर आप एक खास तरह से सोएं तो कल सुबह उठने पर आप एक सार्थक रूप से एक पायदान ऊपर उठ सकते हैं। हर दिन आपके पास मृत्यु का अभ्यास करने का अवसर है। अगर आप उस एक पल को मैनेज कर सकते हैं, आप इसे चेतना में कर सकते हैं, है ना? बस इसी तरह जगे रहने से नींद में जाना, अगर आप इस तरह जा सकते हैं तो बस आप मृत्युंजय हैं, क्योंकि आपके लिए मृत्यु नहीं है।